हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में। ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कब किया जाता है, इसकी क्या जरूरत है, ये सब छोटे मोटे सवाल के जवाब इस वीडियो में। रेसिप्रोकल लेवलिंग की जरूरत कब पड़ती है, जब आप राइज एंड फॉल मेथड नहीं कर सकते या फिर HIM मेथड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इंटरमीडिएट साइट निकालना आपके लिए इम्पॉसिबल है, तब आप रेसिप्रोकल लेवलिंग को इस्तेमाल में ले आते हो। फॉर एग्जाम्पल रिवर के अक्रॉस अगर आपको लेवलिंग करनी है तो आप इंटरमीडिएट साइट बीच में पानी में खड़े होके नहीं ले सकते। दूसरा कंडीशन है वैली के दो चोटियों पे आप खड़े हो लेकिन बीच में खाई है, वहां पर भी आप खाई में खड़े होके लेवल नहीं ले सकते। तो शुरुआत करेंगे कैसे हम लोग। मान लीजिए हमारा पॉइंट ए है और पॉइंट बी दोनों अक्रॉस रिवर ऑपोजिट साइड सिचुएटेड है, तो पहले हम सेट करेंगे लेवल अपना ए के करीब और हम स्टाफ रीडिंग लेंगे पॉइंट ए और बी के ऊपर, A1 और B1। फिर हम लेवल शिफ्ट करेंगे पॉइंट B के ऊपर, प्रॉपर एडजस्टमेंट करेंगे, फिर वापस हम स्टाफ रीडिंग लेंगे A और B के ऊपर, यानी कि रीडिंग आएगी हमारी A2 और B2। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ट्रू डिफरेंस यानी कि H A और B के बीच में, और साथ में हमको एरर को भी एलिमिनेट करना है। तो पहले केस में करेक्ट स्टाफ रीडिंग ए पे आई थी A1 और बी पे B1 - E। जी हाँ, हमको एरर भी माइनस करना है। तो ट्रू डिफरेंस का इक्वेशन ए और बी के बीच में बना है H = A1 - B1 - E। अब दूसरे केस के ऊपर आते हैं, तो हमारी करेक्ट स्टाफ रीडिंग बी के ऊपर आई थी B2 और करेक्ट स्टाफ रीडिंग ए पे आई थी A2 - E। इसमें भी हमको एरर एलिमिनेट करना है, तो हमारा इक्वेशन बनेगा H = A2 - E (-B2)। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद आप जरा स्क्रीन को फॉलो करो और फॉलो करने के बाद एक इक्वेशन मिलेगी। तो हमको इक्वेशन मिल चुका है H = A1 - B1 + A2 - B2 / 2। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, एरर जो है वो एलिमिनेट हो चुका है और टू डिफरेंस दोनों के बीच का जो है वो मीन अपेरेंट डिफरेंस है लेवल ए और बी का। जो मैंने बुक रिफर किया है वो है NN बसक और ये आंसर है। वीडियो पे कहीं पर भी पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर पढ़ना चालू करो। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ रेंजिंग रॉड के साथ डांडिया खेलो या फिर डंपी लेवल से लड़कियां ताड़ो, बस वो दब जाना चाहिए।